गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 15 देखते हैं। पहला चरण, ये श्लोक अर्जुन ने बोला, इसलिए अ जू के ऊपर आधे र की मात्रा अर्जु न मी अमिक्स करेंगे अर्जुन वा च मी अमिक्स करेंगे च अर्जुन उवा च। पहला चरण, प की साथ आदेश है पश यामी दीवा, वा के ऊपर जो बिंदी है वो पढ़ा जाएगा आधा न, दीवान आदस दीवांस तव दीवांस तव, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स किया देव, व में अमिक्स किया देहे, देवांस तव देव देहे। ये श्लोक जो है ये अब यहां से श्लोक त्रिष्टुप छंद में शुरू हो जाएंगे, तो आपका इसका उच्चारण कैसे होगा? पहला चरण करते हैं, पश्यामि देवांस तव देव देहे। सेकंड चरण, स में अमिक्स किया, वा के ऊपर आधे र की मात्रा सर वा, अब बिंदी जो है आधे न की होगी सर्वांश तथा, त में अमिक्स करेंगे तथा, भू बड़ी मात्रा है त में अमिक्स करते हुए भूत, विशेष षटकोण है विशेष, फिर स स के बाद में अनंग, वो स पे बिंदी लगाएगा आधे न की संघान। दूसरे चरण रिपीट करते हैं, सर्वांश तथा भूत विशेष संघान। पहला और दूसरा चरण साथ में, पश्यामि देवांस तव देव देहे, सर्वांश तथा भूत विशेष संघान। तीसरा चरण, ब्र ब्र का अर्थ होता है ब आधा र पूरा, इसके बाद में जो लिखा है उसका मतलब हुआ ह आधा और म पूरा, म पूरे में आ की मात्रा, तो ब्र के साथ आधा ह, ब्र मा ब्रह्मा ओण ब्रह्माण, मी में बड़ी ई की मात्रा है इसलिए लंबा खींचेंगे मीश, शब्द पुराण के बाद श पे अनुस्वार आधा में ब्रह्माण मीशम, कम दोनों अक्षर में अमिक्स करेंगे कमला, स में अमिक्स किया स न के साथ आधा स सनस, ह में अमिक्स किया सनस ह। तीसरा चरण रिपीट, ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थ। चौथा चरण, म के नीचे ऋ से ऋषि की मात्रा मृ, शी की मात्रा बड़ी है मृषि, शब्द पूरा शब्द के बीच में आधा न है इस बिंदी है इसलिए उसको पढ़ेंगे आधा न, तो मृषिंश च में अमिक्स करेंगे मृषिंश च, स वा के ऊपर आधे र की मात्रा सर्वानु, र में अमिक्स करते हुए गा के ऊपर बिंदी क्या होगी आधा न, क्योंकि शब्द के बीच में रंग रगांश रगांश, च में अमिक्स किया सर्वानु रगांश च, दी के साथ आधा व दिव यान। चौथा चरण रिपीट करते हैं, ऋषिश्च सर्वा नुरंगाश्च दिव्यान। पूरा तीसरा और चौथा चरण साथ में, ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वा नुरंगाश्च दिव्यान। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थ ऋषिंश्च सर्वा नुरंगाश्च दिव्यान। वापस, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थ ऋषिंश्च सर्वा नुरंग रगाश्च दिव्यान। श्लोक का अर्थ देखते हैं, अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले, पश्यामि देखता हूँ, पश्यामि आपका मैं देख रहा हूँ क्या, देवांस तव आधा स शब्द को जोड़ रहे देवान यानी देवताओं को, देव हे देव, देहे आपके शरीर में, सर्वान संपूर्ण, सर्वांश तथा और भूत विशेष संघान, सारे
संघ यानी समुदाय, भूत विशेष यानी प्राणियों के विशेष समुदाय को आपके देख रहा हूं मैं, ठीक है। क्या क्या? एक तो प्राणियों का विशेष जो संघ है वो, और सारे देवताओं को, ब्रह्मांड मीशम म ब्रह्मांड, और फिर ब्रह्मांड में म जो पूरा है उसका आधा म लिया तो ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम यानी ब्रह्मा जी को, फिर म पे जो बड़ी ई की मात्रा उससे बन जाएगा ईशम यानी शंकर जी को, कमलासनस्थ कमल पे आसीन कौन है, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को और शंकर जी को, सर्वानु रंगाश्च सर्वानु यानी सभी को, रंग इसमें क्या आ गया, सर्वानु रंगाश्च। अब यहाँ पर क्या है, रंग रंगाश्च यहाँ पर न पे ऊ की मात्रा है, सर्वान अलग निकल गया तो उरगांश और दिव्यान, उरगान उरगान यानी सर्पों को, दिव्यान यानी दिव्य, तो पूरा अर्थ क्या निकला, ही देव मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को और प्राणियों के विशेष समुदाय को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को और सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। यहाँ पर म मृष्यंश्च में ऋषि ऋषि शब्द बन रहा था, म के नीचे ऋषि ऋषि की मात्रा, तो ऋषि कमल पे स्थित ब्रह्मा जी, शंकर जी, ऋषियों को और सभी दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। इस तरह भगवान के विराट रूप का दर्शन करते हुए अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।